सिंहवारा प्रखंड के पूर्व बीडीओ श्री शशि प्रकाश जिन पर भ्रष्टाचार सहित बीते पंचायत चुनाव 2016 में अरई विरदीपुर पंचायत के वार्ड संख्या 2 में बगैर नामांकन के ही चुनाव से 20 दिन पूर्व निर्विरोध निर्वाचन प्रमाण पत्र देने का मामला जांच उपरांत प्रमाणित पाकर जिनका पदावनति तथा अन्यत्र स्थानांतरण हो चुका है उनकी पंचायत चुनाव 2021 में अपने विरोधियों को हराने तथा अपने चहेतों को जिताने के लिए क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से मौजूद रहना ही पूरे चुनाव प्रक्रिया को संदिग्ध बना देता है। इस संदिग्ध भूमिका का उच्च स्तरीय जांच तथा जांचों उपरांत कार्यवाही की मांग को लेकर जारी आंदोलन का आज तीसरा दिन जारी रहा। आज दिनांक 17 दिसंबर 2021 को धरना स्थल पर ही आंदोलन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक आपातकाल बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि सिंहवारा प्रखंड के बीडीओ सीओ एवं थाना अध्यक्ष सिमरी द्वारा जिला स्वर के सक्षम पदाधिकारी से वार्ता कराने हेतु 2 दिनों का मोहलत की अवधि आज 4 बजे समाप्त हो चुकी है, किंतु वार्ता हेतु ऊपर से अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। फलस्वरूप कमेटी ऐलान किया कि दिनांक 18 की शाम तक यदि वार्ता नहीं होती तो 18 तारीख की शाम में जिला परिषद क्षेत्र सिंहवारा 2-4 के सभी गाँव एवं पंचायतों की जनता 19 तारीख को बिठौली से बिशनपुर जाने वाली मुख्य पथ को जाम की तैयारी हेतु मशाल जुलूस निकालकर जहां तक नुक्कड़ सभा का आयोजन करेगी। हाँ, सिंहवारा के जिस पूर्व वीडियो पर हम चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं, पहले भी सिंहवारा के वो वीडियो रहे हैं 2016 के पंचायत चुनाव में, वो वीडियो थे, वो निर्वाची पदाधिकारी थे। उस दौरान अरई बिरदीपुर पंचायत के वार्ड संख्या 2 में वार्ड सदस्य के पद पर बिना नॉमिनेशन के ही निर्विरोध निर्वाचन प्रमाण पत्र चुनाव से 20 दिन पहले दे दिया गया और इस मामले में उच्च स्तरीय जांच हुआ और जांच में मामला प्रमाणित पाया गया और इसी आरोप में उन पर विभागीय कार्रवाई हुई और वो डिमोशन हुआ उनका, यहाँ से स्थानांतरण भी हुआ। तो चुनाव धांधली में उनको महारत हासिल है, उनको दक्षता प्राप्त है, ये कहें। नाम हुआ रामचंद्र निषाद, हाँ, अरई बिरदीपुर मुख्य प्रत्याशी हैं जी। पूछिए। ये बताइए सर, ये धरना आप लोग किए वकील जी, धरना कब तक और कहाँ तक लेके जाइए? अनिश्चित काल, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम धरना पर बैठे रहेंगे, क्योंकि हमारे वीडियो साहब जो पूर्व वीडियो हैं शशि प्रकाश, वो बहुत बड़ा घोटालेबाज आदमी हैं, वो गलत किए हैं, ठीक है, इसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। ये धरना इस स्थान से कहीं आगे भी बढ़ेगी, यहीं पर रहेगी? यहीं पर रहेगी। हम लोग और भी हम लोग संगठन में बात करेंगे, उसके बाद आगे जो होगा वही होगा। यानी न्याय लेके रहिएगा? जी, न्याय लेकर रहेंगे। समझाइए मुझे, किस स्थान को चुने हैं आप धरना के? ये स्थान न तो जिला मुख्यालय को जोड़ता है डायरेक्ट, न ही प्रखंड को जोड़ता है डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जिला अधिकारी भी आने में समय लगेगा, उस रास्ते में नहीं पड़ता है, या फिर प्रखंड के जो लोग होंगे वो जाएंगे जिला, उस रास्ते में नहीं पड़ता। क्या लगता है इस स्थान को बदल करके कहीं? हाँ, नहीं नहीं, ये इसी यही धरना प्रदर्शन रहेगा जी, यही प्रशासन को आना होगा। यानी आप कह रहे हैं कि वार्ता के लिए अगर कोई भी पदाधिकारी या प्रशासन आए तो उनको इसी धरना स्थल पर? जी, इसी धरना स्थल पर। उनसे उनसे यही कहेंगे कि शशि प्रकाश का जो है उसका उच्च स्तरीय जांच करके हमको दे दे और उसके आधार पर हम लोग चलेंगे। हम लोगों का मांग यही है कि बीते 29 के जो वोट हुआ उसमें जो पूर्व बीडीओ शशि प्रकाश यादव वो यहाँ पोस्टिंग थे पूर्व में, वो जो है यहाँ से हम लोग एक लंबी लड़ाई, रामनंदन जी, हम लोग एक लंबी लड़ाई लड़के उसको चुनाव आयोग से लेके हाई कोर्ट से लेके लड़के इसके बाद यहाँ से स्थानांतरण हुआ दूसरे जिला, वहाँ से इस इलेक्शन में आके माने जो वास्तु विहार जो ललित यादव जो राजद के विधायक हैं उनके यहाँ ठहर के इसके बाद वर्तमान जो वीडियो है उनके होटल में ठहर के इसके बाद वर्तमान जो वीडियो है उनके आवास चेंबर में रह के और इसके बाद मालूम जैसा हुआ लोग देखे वो दरभंगा में किसी होटल में ठहर के उस साजिश के तहत जो लोग भी इस आनाइन भारत की दरभंगा से सुमित झा की रिपोर्ट।
सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर घर बना रहे लोगों के घरों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 30 कच्चे मकानों को बुलडोजर से किया गया ध्वस्त। ग्रामीणों ने आंखों में आंसू लिए कहा, इस ठंड में रात गुजारने के लिए अब उनके पास छत भी नहीं बची। असरगंज प्रखंड क्षेत्र के कोटी कोरियन गांव में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर कच्चे पक्की मकान बना रहे 2 दर्जन से अधिक लोगों का घर के प्रशासन एवं पुलिस पदाधिकारी JCB के माध्यम से ध्वस्त कर दिया है। हालांकि असरगंज अंचल कार्यालय द्वारा जारी नोटिस में नाम अंकित कर 30 लोगों को नोटिस भेजा गया था, जिसमें 107 की कार्रवाई भी किए थे। इसी कड़ी में असरगंज अंचल CO अनुज कुमार झा अपने दलबल के साथ पहुंचे गांव में। पहले से चिन्हित 30 कच्चे पक्के मकानों को ध्वस्त कर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। वहीं अपने आशियाना उजड़ जाने के बाद घरों में रह रहे लोगों के बीच में मातम छा गया है। लोगों ने कहा कि अब उनके पास इस ठंड में सर छुपाने के लिए जगह तक नहीं बची है, वे अपने बाल बच्चों को लेकर कहां जाएंगे। बहुत अति कर कुछ न ठंडा में है ठंडा में बेटा तो हमारा पेटा पता जी आवे हम खालिया ठंडा में करिया अब हम तल तब जाते राति सुतली रहते अब हम ठंडा में न रहब है माल देख पे के मते ठंडा में न रहब अब हम अब केना लगे छौ कि रात का केना काटबो रात केना काट कब आके बेटा सरकार ने कोई नोटिस देना छलो सरकार ने कोई चिट्ठी देना देने रे बेटा पहले तो फिर सरकार है देना चाहे न्याय जे किए दे खाली हम राय देना तो बेटा और हमरा बेटा पत्ना है तो यहां कहां पर दे तो हम जाऊं हमरा बेटा नहीं तो यहां अब रहबो कहां अब कहां रे बाबा मैं की बतायो की नाम छ हमरा मनोरमा हां सरकारी जमीन के लोग बसे हुए थे घर बना लिए थे पशु शेड बनाए थे अक्सर पशु शेड ही है तो उसको अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है उसको लेकर जो है सरकार के द्वारा हाँ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जल जीवन हरियाली के तहत और जो अस्थायी संरचना या छोटी मोटी संरचना बनी थी उसको अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है तो सर वैसे लोग घर है सबको अपना पशु शेड बनाए हैं सबको अपना घर है और ऐसी स्थिति आप मतलब यदि पाया जाएगा ऐसी स्थिति आएगा तो दिया जाएगा अवश्य कार्रवाई की जाएगी 30 घर हैं 30 मतलब घर नहीं है पशु शेड अक्सर लोग बनाए हुए हैं ठीक है पशु शेड अक्सर है लगभग 30 पशु शेड है 30 आदमी को नोटिस किया गया था सबको नोटिस कर दिया गया अतिक्रमण कर दिया गया आपका घर तोड़ दिया रहने का व्यवस्था नहीं है कैसे क्या रहेंगे कहाँ जाएंगे कैसे बाल बच्चा क्या करेंगे बताइए ठंडी में क्या होगा बताइए ठंडी में क्या होगा इससे बढ़िया हमको गोली मारिए जिसके सारे बच्चे मर जाएंगे प्लॉट पे सरकार को नोटिस नहीं दिया था सरकार को नोटिस किया देंगे सरकार तो हमको भगाने के लिए तैयार है तो हम सरकार को नोटिस किसको देंगे जब एक दूर हमारे पास जमीन नहीं है तो हम कहाँ से रहेंगे बताइए दूसरे जमीन में रखेंगे ईटा रखने दीजिएगा बाल बच्चा रखने दीजिएगा क्या नाम हुआ नाम हुआ विपिन ठाकुर R9 भारत के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट असरगंज मुंगेर से।